हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि हमने स्टेट में आपको वीडियो वन बाय वन करके बताया था, आज आपको हम मीडियन का जो ग्रुप डाटा उसका कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसके कुछ कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, जो क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया है बोर्ड का पॉइंट 10th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और थोड़े से कंसेप्चुअल है। अनग्रुप डाटा का सिखाया था, इसमें हम आपको ग्रुप डाटा का सिखाने वाले हैं। उससे पहले आपको मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वो आपको याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। अभी मैं फॉर्मूला आपको लिखने वाला हूँ, उस पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, और थोड़े से माइंड को फोकस रखेंगे क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस या आगे चलेंगे 10 ईयर्स के क्वेश्चन में। अब पूछोगे सर कि मीडियन क्या होता है, मीडियन का आपको एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं। मीडियन का इक्वल टू होता है बेटा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्या लिखा बेटा हमने फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ माइंड में ये होता है सर क्या क्या लिख दिया आपने, तो बेटा पहले हम आपको इसमें डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या है। वेयर एल आपका लोअर लिमिट है, क्या बोला हमने, सब कुछ क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्या बोला बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा एन क्या होगा, एन आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है, क्या है एन टोटल फ्रीक्वेंसी है। आपका सी एफ क्या है, सी एफ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसमें थोड़े से आपके डाउट होंगे क्योंकि आपने अभी इस टर्म को जाना नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास ऑफ प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। ये सब कुछ अभी सिर्फ फॉर्मूला है तो देखने में आपको अजीब सा लगेगा, सब कुछ बताऊंगा। फिर दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच से आप भली भांति परिचित है, एच क्या होता है बेटा क्लास साइज, क्या होता है एच क्लास साइज, एच क्या होता है। अच्छा हमने इतने भारी भरकम फॉर्मूले और इतने ऐसे लिख दिया, स्टूडेंट को यहां से डाउट हो गया कि सर क्या क्या लिखा। ये बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला तो आपको बेटा याद ही करने हैं, उसमें तो कोई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये आपको याद करने हैं तो फिक्स है, ये आपको याद करने हैं फॉर्मूले। अच्छा फॉर्मूले याद करने और ये सब आसान है, मैंने सिर्फ क्योंकि हमें एज ए टीचर हमें ये सब लिखना होता है, फॉर्मूला है ये क्या क्या हमने लिखा है, ये आसान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब आपके मन में डाउट होगा एल क्या है सर, मीडियन क्लास क्या है, एन क्या है टोटल फ्रिक्वेंसी है, सी एफ क्या है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास है, एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, और एच क्लास साइज है। ये फॉर्मूला चिन्नी है, एकदम आसान है, कोई ज्यादा उसमें टफ नहीं है। फॉर्मूले से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, उसमें ज्यादा आपको क्लियर होगा क्या क्या है। अब हम आपको क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पे अभी एक क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी का कराते हैं जिसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो एनसीईआरटी बेटा आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 जो मीडियन का है उसमें से एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल है, थोड़े से कंसेप्ट देखने हैं कि क्या क्या है। चलिए 14.3 बुक से क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, देखो क्या है इसमें, इसमें लिखा है क्लास और यहां लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी, क्या लिखा हमने फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या क्या दिया है, देखो क्लास दिया बेटा 65 to 85, क्या लिखा है 65 to 85, 85 to 105, 105 टू कहां तक 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, और 185 to 205। इसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 4 दिया है, 5 दिया है, 13 दिया है, 20 दिया है, 14 दिया है, 8 दिया है और 4 दिया है। और आपको इसका मीडियन मांगा है, क्या बेटा एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, एक क्लास दिया है और कुछ और उसमें नेमिंग किया होगा, हमने एक क्लास और फ्रीक्वेंसी पे इसको नेमिंग किया है, एक क्लास है फ्रीक्वेंसी है। अच्छा फॉर्मूला जब आप देखोगे तो क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब स्टूडेंट को डाउट हो गया सर सी एफ क्या होता है बेटा, सी एफ देखो जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सी एफ। अब पूछोगे होता क्या है सर, एकदम आसान है, आसान थिंकिंग है, आसान सोचने है और बिल्कुल आसान है भी। अब सी एफ क्या होता है बेटा, फर्स्ट तो 4 होगा, फर्स्ट में कोई नहीं, सेम होते हैं, लेकिन सी एफ होता है फ्रीक्वेंसी का एडिशन अगले टर्म से, तो 4 और 5 कितना 9, क्या बोला हमने 4 और 5 कितना
फोर और फाइव कितना होता है बेटा, नाइन। फोर और फाइव नाइन, क्या किया हमने, फर्स्ट तो सेम होगा फिर अगले फ्रीक्वेंसी से ऐड होते हैं, फोर फाइव नाइन, अगर नाइन आ गया तो फिर से अगले फ्रीक्वेंसी से ऐड होगा, नाइन और थर्टीन ट्वेंटी टू, फिर ट्वेंटी टू आ गया, ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फोर्टी टू, फोर्टी टू और फोर्टीन फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स और एट सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर और फोर सिक्सटी एट। क्या बताया बेटा, क्या कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, पहला फ्रीक्वेंसी है सी एफ, फर्स्ट का सेम होगा क्योंकि ऐड तो एक नंबर में कोई एडिशन होगा नहीं, सेकंड में दोनों फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाते हैं, फोर फाइव नाइन, अगर नाइन आ गया तो फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड होगा, नाइन थर्टीन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फोर्टी टू, फोर्टी टू और फोर्टीन फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स और एट सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर और फोर सिक्सटी एट। अगर कहीं डाउट होता है तो एक कंफर्मेशन करने के लिए आप इसको आप ऐड करके देखोगे ना तो ये सिक्सटी एट ही आएगा, मीन्स ये जो सिक्सटी एट आ रहा है ना आपका, ये पता है इसको टोटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, टोटल फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी। इसी को हम वहां डिनोशन एन किए थे, क्या दिए थे, देखो एन लिखा था, एन ये क्या था, टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब इसका क्योंकि मीडियन थोड़े से कंसेप्चुअल है बाकी के कंपेयरिंग में, तो उसमें फॉर्मूला में हमने देखो जान से एन बाई टू लिखा था, क्या लिखा था, एन बाई टू, तो आप एन बताओ एन कितना है, एन आपका 68, तो एन बाई टू कितना होगा, 68 बाई टू कितना, 34, कितना बेटा 34। अच्छा अगर ये 34 हो गए, कंसेप्ट नंबर यहां से ही एक एराइज होता है कि अगर ये 34 हो गया, पहले सोचते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपका सी एफ लास्ट आएगा उसके फॉर्मूले से एन बाई टू निकालेंगे, 68 बाई टू कितना आ गया 34। अब इस 34 यही आपका मेन, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहे हैं आपको पता है ना, बैटिंग इंडिया के रोहित शर्मा विराट कोहली वैसे इसी यही आपका प्लेयर है मेन, और यही डिसाइड करेगा पूरे कुछ गेम का कि पावर प्ले में और कैसे मैच खेलने हैं, कैसे मैच जिताने हैं। तो ये 34 को देखने कि किस सीएफ में कहां पे लाई करता है, लाई का मतलब किसके किसके बीच आता है, तो 34 आप देखो देखने से पता चलता है ना कि 22 और 42 के बीच में आएगा, देखो तो 34 20 और 42 के बीच में आएगा, ऑब्वियस है। अच्छा बेटा जिसके बीच में आएगा उसका अगला टर्म, अगला टर्म का मतलब नेक्स्ट टर्म ए 42, इसके सामने वाला यही आपका फ्रीक्वेंसी है, क्या बोला, ए आपका बन जाएगा बेटा फ्रीक्वेंसी। अगर एक फ्रीक्वेंसी बनेगा तो यही इसके सामने वाला क्लास को हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। देखो हमने फॉर्मूला में लिखा था मीडियन क्लास, यही बेटा आपका मीडियन क्लास है, क्या है, मीडियन क्लास। अच्छा मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट उसको कहते हैं ए, क्या है आपका एल, एल कितना 125, ए लोअर लिमिट। पहले क्या करेंगे एन बाई टू निकालेंगे, देखेंगे किसके किसके बीच लाई करेगा, अगला टर्म के सामने वाला एफ, उसके सामने वाला क्लास उसी को हम मीडियन क्लास कहते हैं, उसके लोअर लिमिट को एल कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब ए देखो हमने फॉर्मूला में एक वर्ड यूज किया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग और मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के जस्ट पीछे वाला तो यही आपका सी एफ हो गया, क्या हो गया सी एफ, ये क्या हो गया सी एफ। अच्छा एच क्लास साइज है तो देखो कितने का गैप है बेटा, 20-20 का गैप है, तो एच कितना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितने का गैप है 20। सब कुछ आपको मिल गया फॉर्मूला में यूज करेंगे, एफ मिल गया, सी एफ मिल गया, एल मिल गया और एन मिल गया, तो आप फॉर्मूला में आप इसको यूज करेंगे, फॉर्मूला बार बार लिखिए, फॉर्मूला लिखोगे आपको याद हो जाएगा मीडियन का क्या फॉर्मूला था, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अच्छा एल देखो एल कितना था बेटा, एल कितना था आपका यहाँ पे 125 प्लस एन बाई टू तो कितना 68 बाई टू माइनस सी एफ कितना था आपका, सी एफ था 22 और एफ था 20 और एच भी 20, 20 से 20 कट गए, 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना हो जाएगा 125 प्लस 12 कितना 137, कितना हो गया आंसर मीडियन 137। ओके गॉट इट क्लियर, क्या हो गया मीडियन 137। आई होप आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आया होगा कि कैसे मीडियन, मीडियन का फर्स्ट कंसेप्ट है कि कैसे मीडियन को अप्रोच करते हैं। इसमें दो कंसेप्ट है बेटा और दोनों क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में पढ़ने हैं, मैं मेरा तरीका है और मैं 10-15 ईयर्स के आपके बोर्ड के जितने क्वेश्चन है वो सब आपको कराने वाले हैं, लाइव क्लासेस में भी आएंगे और फिक्स लाइव क्लासेस होगा क्योंकि बोर्ड टाइम है, तो हम आपको हर शेड्यूल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में या आपको जो भी डाउट होगा उस पर आप डिस्कस कर सकते हो कि मेरा डाउट है बता दो सर, उस पर हम आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे और कुछ भी डाउट होगा कंटिन्यू करेंगे। मीडियन का ये फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट कंसेप्ट है कि कैसे मीडियन निकालते हैं, क्योंकि मीडियन में अननोन फ्रीक्वेंसी वाला भी है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको डाउट होगा
फर्स्ट हमने ए अप्रोच कराया जिसमें अननोन फ्रीक्वेंसी ना हो, जिसमें अननोन फ्रीक्वेंसी ना हो उसका अप्रोच कराया कि एन बाय टू से अप्रोच करते हैं। इसका दूसरा मेथड है जो आपको सिखाने वाला हूँ, जो डील करने वाला है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे एक सौरवाई दो फ्रीक्वेंसी अननोन है उसको, या हम आपको एक और एक्स्ट्रा कराने वाले जिसमें वन फ्रीक्वेंसी अननोन हो। और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कुछ भी डाउट हो, क्योंकि बोर्ड टाइम है, हम आपको लाइव क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और भी सारे वीडियो आपको वन बाय वन लाइव क्लासेस में भी आएंगे और आपको वन बाय वन वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे जो भी आपके डाउट हो। और मेरा एक शेड्यूल फिक्स्ड होगा, मतलब अभी से आपका नवंबर चल रहा है ना, तो नवंबर से लेके मार्च फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या फरवरी लास्ट तक हम आपके शॉर्ट मतलब एक क्रैश कोर्स टाइप का आपको पूरा बोर्ड का हर सिलेबस 10th और 12th स्पेशली उनके लिए पैटर्न एक फॉलो करने वाले हैं, जिसमें आपके अगर सिलेबस पीछे है या छूट गए हैं उसको कंटिन्यू वाइज हम आपको कराएंगे, 10 to 15 ईयर्स का क्वेश्चन कराएंगे, कंटिन्यू करेंगे, कुछ भी डाउट हो उसमें आप लिखेंगे, आपका डाउट को हम सॉर्ट आउट करेंगे। और आई होप आपके अच्छे से अच्छे, आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, हम आप पे ट्रस्ट करके आपको जितना हो सके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे।